एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक। योर ऑन यूट्यूब चैनल आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ वैकेंसी रिलीज हुई है, वॉक इन इंटरव्यू है, उसी का नोटिफिकेशन ने 12th of October को रिलीज़ किया था। इसकी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने कुछ वैकेंसीज रिलीज़ की हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। पहली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, 2 पोजीशन है जिसमें। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कैटरिंग साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर BSc इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी कैटरिंग साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन होगी एंड 20,000 रुपीज़ प्लस HRA आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट इसकी 50 ईयर्स है। सेकेंड टाइप की जो पोस्ट है वो भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट, 1 पोजीशन है इसमें, BSc बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल होगा अगर कोई भी कैंडिडेट उनके पास 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स हैं BSc में एंड मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है इन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन। इससे अलग लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 6 मंथ ड्यूरेशन होने वाला है इस प्रोजेक्ट का भी एंड 20,000 रुपीज़ HRA होने वाला, 20,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA आपको मिलेगा। 50 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, 2 पोजीशन हैं इसमें। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech इन लेदर टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 6 मंथ ड्यूरेशन होगा एंड 25,000 रुपीज़ प्लस HRA इसमें आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स हैं। इसके बाद बात करेंगे जो फोर्थ पोजीशन है जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट पोजीशन है 2। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BSc बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइफ साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी एक में वो अप्लाई कर पाएंगे। डिज़ायरेबल होगा अगर कैंडिडेट के पास सेल कल्चर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का एक्सपीरियंस हो। 6 मंथ इसका ड्यूरेशन होने वाला है एंड 25,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। बात आती है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, अगेन एक पोजीशन है इसकी। इसके लिए MSc केमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए MSc में और एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट सैंपल एंड ऑपरेशन ऑफ बेंच स्केल बायोलॉजिकल रिएक्टर विद कंप्यूटर नॉलेज, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 ईयर इसका ड्यूरेशन होगा, 25,000 रुपीज़ प्लस HRA आपको दिया जाएगा पर मंथ। इससे अलग 35 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। उसके बाद 6th पोजीशन जो है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट पोजीशन 1 की। अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इससे अलग डिज़ायरेबल होगा अगर कैंडिडेट के पास 55% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स हैं MSc में, सो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होने वाली है, वही 25,000 प्लस HRA इसका पर मंथ अमोलमेंट मिलने वाला है एंड 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड, इसकी 1 पोजीशन है। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ पोस्ट MSc रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल होगा अगर जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके पास 60% मार्क्स होंगे MSc में या उससे ज़्यादा और एक्सपीरियंस होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन एक्सप्रेशन प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। 1 ईयर इसका ड्यूरेशन है, 28,000 रुपीज़ प्लस HRA अमोलमेंट है मंथली एंड 35,000 इसकी अपर सॉरी 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। बात करेंगे जूनियर रिसर्च फेलो की भी, 2 पोजीशन है यहाँ पर। इसके लिए आपको MSc इन जनरल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर पाएंगे। MEMTech लेदर टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास एक CSIR UGC नेट या गेट होना जरूरी है। 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है, 31,000 प्लस HRA इसका अमाउंट है मंथली, 28 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। साथ साथ इसका जो प्लेस ऑफ ऑर होगा वो है CLRI रीजनल सेंटर कोलकाता या मणिपुर। डिज़ायरेबल होगा अगर कैंडिडेट्स के पास
क्वालिफिकेशन है ये वाली, एक्सपीरियंस है जैसे कि फर्स्ट क्लास है या फिर इक्विवेलेंट है मास्टर्स में यानी कि एमएससी एमई एमटेक। इससे अलग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, गुड एनालिटिकल स्किल्स हैं और नॉलेज है प्लांट मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स की। उससे अलग नाइन्थ नंबर की जो पोस्ट है वो है सीनियर रिसर्च फेलो, वन पोजीशन है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और वन पब्लिकेशन इन एससीआई जर्नल, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एमएससी के बाद एटलीस्ट 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में और 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल होगा अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ प्रोटीन प्योरिफिकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ बायो मटीरियल एंड इट्स कैरेक्टराइजेशन, मैमेलियन सेल कल्चर, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस वन ईयर का ड्यूरेशन इसका होने वाला है एंड 35,000 प्लस HRA आपका पर मंथ दिया जाएगा एंड 32 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। अब बात करेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू कब होगा, तो इसमें जो नोटिफिकेशन था 3rd, 5th, 6th and 8th, तो उसका 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगा एंड 1, 2, 4, 7, 9 का 1 PM में होगा। वॉक इन इंटरव्यू है सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इन वाली डेट्स में जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। सो यस, यही था इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माइक्रोब टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पोस्ट का प्रोवाइड कर दिया जाएगा।